बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। यकीन माने मुझे शायद अपने पहले रोदे के बाद जब मैं इस मरहले पे था शायद आज का रोदा जितना लगा है। अच्छा, क्योंकि रूटीन मुख्तलिफ हो गई, वरना मैं 11 तार करता था रात 11 बजे, तो सारा अपने अगले दिन का काम रात में निपटा लिया करता था, दिन में सोता था, इफ्तार से थोड़ी देर पहले उठता था और बस। बहरहाल आज इन लोगों का पहला रोजा है माशाल्लाह हमारे दोस्तों का। बड़ा दिन है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा आज दिन। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐसा लग रहा है कि 36 घंटे का दिन, लेकिन इनके लिए हकीकतन बड़ा दिन है। तो माशाल्लाह एक सादत है इनके लिए भी, इनके पेरेंट्स के लिए भी। हमारे पास 4-5 मिनट है। प्यास लग रही है? मुझे भी। तुझे लग रही है? वो कह रही है मुझे भी लग रही है। तुझे लग रही है छोटू? ओए, तूने दिन में कितने रोजे रखे हैं? ये पहला तेरा? कितने, 4 हो गए रोजे दिन के? पहला? प्यास नहीं लग रही? कितने ग्लास पिए पानी के दिन में? नहीं भी है, नहीं भी है। पक्का प्रॉमिस? और छोटू तुझे प्यास लग रही है? तुझे भी नहीं लग रही? तो चेहरा बता रहा है, चेहरा लग रही है, अब मान गया। माशाल्लाह, इस पर बहुत मिलेगा अल्लाह से। जल्दी जल्दी अपनी उम्र बताओ, क्या उम्र है बेटा? 9 ईयर्स, 6 साल। कितने साल? कितनी उम्र है? 6 साल, 10 साल, 9 साल। क्या नाम, क्या है आपका? अहमद रजा। आपका नाम? मिदहत आलम। मिदहत, दुआ। वाह वाह, दुआ। मोहम्मद उजैर। अच्छा जी, 9 और 6 साल की उम्र के बच्चों ने आज रखे हैं रोजे। तो कोई एक ऐसी बात आज आप कर दें इस सेगमेंट में छोटी सी, जिससे ऐसे मजीद दुआ, ऐसी मजीद मिदहतें, ऐसे मजीद उजैर पैदा हो और मोटिवेट हो कि ये काम करना चाहिए। माशाल्लाह भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजलो करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, हाँ, वो हर मुसलमान के दिल में डाली है। हर मुसलमान अपने दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूर रखता है, ताहे चाहे दीन पर चले ना चले। इसकी वजह पता है क्या है? क्या? इसकी वजह यह है कि होश में आते ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलना शुरू कर देता है। ये देखो, वाह, दुनिया के अंदर आपको किसी भी मजहब के अंदर इस उम्र में बच्चा आपको 16-17 घंटे भूखा आप रख दे, आप किसी और जगह रखेंगे तो हो सकता है कि वो पुलिस भेज दे आपके घर में। जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। तो जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि और आज भी मैं कहा कि दीन के फैलने की सबसे बड़ी वजह है कुर्बानी, ठीक, और बाकी सारी नेकियों पर तो सवाब मिलता है, रोजा रखने पर अल्लाह खुद मिलते हैं। वाह 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 वाह, ठीक है। तो इसी उम्र से बच्चों को अल्लाह मिलना शुरू हो गया। इस्लाम जबर का दीन नहीं, अगर आज इन्होंने रोजा रखा है अपनी मर्जी से रखा है, अपने शौक में रखा है, और इनके वालदैन ने मोटिवेट किया। भाई कौन कौन, किनके किनके बच्चे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बच्ची माशाल्लाह, बेटा उजैर है आपका, ये मिदहत। अच्छा माशाल्लाह मिदहत, और दुआ तुम्हारी मम्मी कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? माशाल्लाह। और मिदहत की वो बैठी, और उजैर कहाँ बैठे? तो सिर्फ तारे नजर आ रहे हैं, अम्मी अच्छा, नजर नहीं आ रहे। बेटे का नाम क्या है? अहमद। कहाँ है अम्मा? अम्मा कहाँ है? वो बैठी। भाई अल्लाह आप लोगों को मुबारक करे, बहुत बहुत मुबारक करे। अल्लाह पाक आज का रोजा सबका कबूल करे, आमीन। दिल की गहराइयों से मुझे खुशी हुई आपके आने की, और इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दोबारा नहीं आ सकते, हर बार आए। इंशाल्लाह हम अल्लाह की बात भी सुनेंगे, उसके रसूल की बात भी सुनेंगे, इनामात भी लेंगे, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे। अल्लाह आप लोगों को आज का रोजा मुबारक करे। मेरे ख्याल में लाहौर में शायद अजान का वक्त हो गया, होने वाला है, बस हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो यहाँ पर भी अजान मगरिब हो चुकी है। अल्लाह मुबारक करे। छोटा सा ब्रेक। الله أكبر الله أكبر
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد